हेलो ऑल, दिस इज उमेश फ्रॉम ठाणे महाराष्ट्र। और आज हम जाने वाले हैं तिरुपति बालाजी। ये जर्नी हम ट्रेन से करेंगे। हमारा ट्रेन लगभग 1:30 बजे ठाणे स्टेशन को आएगा, तो ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तिरुपति बालाजी के दर्शन के साथ साथ मैं वहाँ के और भी आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठाणे स्टेशन और हमारा ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाला है और हमारा ये जर्नी लोनावाड़ा और खंडाला के घाट से होने वाला है, तो आपको बहुत सारे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी हम कलबुर्गी स्टेशन से निकल चुके हैं। अभी कल 8 बजे हमारा ट्रेन रेणिगुंटा पहुंचेगा, तो कल तक के लिए शुभ रात्रि। नाउ वी रीच एट रेणिगुंटा रेलवे स्टेशन। सुबह के 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारा ट्रेन एनटीटी मदुराई एक्सप्रेस टाइम पे हमें पहुँचाया है। और अभी हम तिरुपति के गेस्ट हाउस जाएंगे माधवम, और वहाँ पे चेकिंग करेंगे। हमें ऑलरेडी स्लॉट सुबह 6 से 12 बजे तक का दिया है, तो देखेंगे यहाँ से ऑटो करेंगे एंड देन वी विल गो टू माधवम। सो बने रहिएगा हमारे साथ। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम रेणिगुंटा टू माधवम, सो अराउंड 10 or 12 किलोमीटर्स। सो वी बुक अ ट्रैवलर ऑफ 15 सीटर। सो हमारे 9 लोग हैं, तो उसके लिए उन्होंने जनरली 700-800 लेते हैं, तो हमारे लिए 800 में हम जा रहे हैं। तो तिरुपति माधवम से आज हम अभी तिरुपति सिटी के टेंपल्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। पद्मावती टेंपल, कपिल तीर्थ, गोविंदराज स्वामी टेंपल और श्रीनिवासम मंगापुरम, जो सबसे ओल्डेस्ट टेंपल कहा जाता है तिरुपति का। इसके लिए हमने सेम ट्रैवलर जो हम रेणिगुंटा से आए थे वही बुक किया है। अराउंड 2500 इस सारे टेंपल्स का माधवम से और फिर से वापस आने तक उन्होंने चार्ज किया है। सो दे विल वेट, और पार्किंग का पैसा भी वही पे करने वाले हैं। सो अभी हम निकलेंगे पहले टेंपल के लिए। अभी हम गोविंदराज स्वामी टेम्पल आए हैं। ये टेम्पल तिरुपति सिटी के सेंटर में स्थित है। ऐसे कहा जाता है पुरानी कथाओं में, गोविंदराज स्वामी श्री बालाजी के बड़े भाई है तथा गुरु भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप गोविंदराज स्वामी टेम्पल। यहाँ से गोविंदराज स्वामी टेम्पल के अंदर एंट्री है। यहाँ से आगे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। मोबाइल आपको बाहर ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके आगे आपको मार्केट मिलेगा गोविंदराज स्वामी टेम्पल के आगे, जहाँ से आप पूजा की सामग्री वगैरह खरीद सकते हैं। गोविंदराज स्वामी दर्शन के बाद अभी हम नेक्स्ट दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पे लॉकडाउन और सम रिस्ट्रिक्शन की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। 5-10 मिनट में आप दर्शन कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे कभी भी ज़्यादा रश नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटे में आपका दर्शन हो जाता है, तो आप जरूर आएगा गोविंदराज स्वामी दर्शन के लिए। गोविंदराज स्वामी दर्शन के बाद अभी हम आए हैं श्री पद्मावती देवी टेम्पल। अभी हम श्री देवी पद्मावती के मंदिर के बाहर है। हमारा अभी देवी पद्मावती का दर्शन हो गया है। हमें दर्शन के लिए लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं। हमने पहले दिन ही श्री पद्मावती देवी का दर्शन लिया है। ऐसा माना जाता है कि तिरुमला में श्री बालाजी का दर्शन होने के बाद आप श्री देवी पद्मावती का दर्शन ले सकते हैं और लेना चाहिए, लेकिन हमने पहले दिन भी लिया है और हम श्री बालाजी का दर्शन होने के बाद भी पद्मावती का दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। आप देख सकते हैं देवी पद्मावती के मंदिर के बाहर
देवी पद्मावती का मंदिर तिरुपति से थोड़ा बाहर आता है, 5-6 किलोमीटर। आप यहाँ पे ऑटो करके आ सकते हैं, कैब करके आ सकते हैं। आपको दर्शन जाने के लिए पहले मोबाइल डिपॉजिट करना होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आप मंदिर में लेके नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे अभी अन्न प्रसाद भी चालू किया है, आप लड्डू भी एज अ प्रसाद ले सकते हैं, पर लड्डू कॉस्ट 10 रुपये है यहाँ पे। अभी हम श्री कल्याण वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल पहुंच चुके हैं। ये टेम्पल माना जाता है कि सबसे पुराना टेम्पल है तिरुपति का, और ये श्री निवासा मंगापुरम में स्थित है, जिसकी दूरी 12 किलोमीटर तिरुपति से है। और ऐसा भी कहा जाता है लॉर्ड वेंकटेश्वरा यहाँ पे शादी से पहले, उनके कल्याण होने से पहले यहाँ पे स्थित थे, और शादी होने के बाद भी कुछ दिन यहाँ पे रहने के, देवी पद्मावती के साथ रहने के बाद वो तिरुमला चले गए और वहाँ पे स्थित हो गए। श्री कल्याण वेंकटेश्वरा स्वामी का हमारा अभी दर्शन हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी क्राउड नहीं था, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है दर्शन के लिए। टेम्पल के बाद अभी हम आए हैं कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल। ये अलीपीरी रोड के स्टार्ट में ही है, जहाँ से अलीपीरी हाईवे स्टार्ट होता है। तो अभी हम दर्शन करेंगे कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल का। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जो आपको देखने को मिलेगा, अभी पता नहीं वो कितना फ्लो में बह रहा है, तो देखेंगे। कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल अगर आप आ रहे हो तो ये याद रखिए कि यहाँ पे बंदर बहुत है, तो आप शायद आपके हाथ से कोई चीज़ें लेके जा सकते हैं, सो बी केयरफुल। और ये बहुत ही अच्छा टेम्पल है, एकदम माउंटेन के बाजू में ही है, व्यू भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश चालू है इसलिए।
स्वामी टेम्पल का भी दर्शन हो गया है, तो अभी हम सीधा थोड़ी देर बाद माधवम गेस्ट हाउस जाएंगे। और इस तरह आज का हमारा बाकी टेम्पल का दर्शन हो गया है, और अब हम कल तिरुमला के लिए रवाना हो गए, तो तिरुमला की जर्नी के लिए और दर्शन के लिए बने रहेगा हमारे साथ। हेलो ऑल, नाउ आई एम एट टेरेस ऑफ माधवम गेस्ट हाउस, और मेरे पीछे देखिए शेषाचलम हिल्स, और फ्रॉम दिस अलीपीरी मेटलू आप देख सकते हैं, और द एनवायरमेंट इज़ वेरी प्लीजेंट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। थोड़ा थोड़ा हल्का रेन चालू है। मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज उमेश, वेलकम टू माई थर्ड डे ऑफ तिरुमला टूर, और आज हम अभी तिरुमला के लिए निकलेंगे। तिरुमला के लिए हम श्रीवारी मेट्रू से जाएंगे। श्रीवारी मेट्रू जाने के लिए माधवम से पहले हमें ऑटो या फिर कैब पकड़ना होगा। आपको जाना है तो आप बसेस या फिर फ्री बसेस से भी जा सकते हैं। यहाँ से वो 20-22 किलोमीटर्स आएगा, और वहाँ से हमें फुटवे से जाना होगा, जिसमें 2.1 किलोमीटर्स का डिस्टेंस और 2300 प्लस स्टेप्स हमें कवर करना है। आपको जाना है तो आप अलीपीरी से भी जा सकते हैं। अलीपीरी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स का है, और उसमें 3300 प्लस स्टेप्स हैं, बट वो अभी मेंटेनेंस या फिर रिनोवेशन की वजह से बंद है। तो हम अभी श्रीवारी मेट्रो से जाएंगे, सो बने रहेगा हमारे साथ। श्रीवारी मेट्रो के स्टेप्स, द फुटवे आई विल शो यू, ओके, बने रहिए। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और अभी हम श्रीवारी मेट्रो के लिए निकल चुके हैं। जाने के लिए हमने एक जीप किया है, जिसका उन्होंने 600 रुपीज़ चार्ज किया है फॉर 5 पीपल्स। सो देखेंगे अभी इस जर्नी को, और घाट का रास्ता है उस जर्नी को भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बाद में फुटवे को भी दिखाऊंगा। मेट्रू के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। हमने अभी लगेज भी ड्रॉप कर दिया है। लगेज हमें 2-3 आवर्स के बाद वहाँ पे ऊपर मिलेगा तिरुमला में। सो अभी हम श्रीवारी मेट्रू की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ये श्रीवारी मेट्रो आने के लिए फ्री बस भी अवेलेबल है, आप ये तिरुपति से फ्री बस भी पिकअप कर सकते हैं। अभी हम तिरुमला की ओर जाएंगे, और ये श्रीवारी मेट्रो का पहला स्टेप होगा। Thank you.
अभी हमारे 450 स्टेप्स हो गए हैं, आधा घंटा हो गया हमने पहला स्टेप जब स्टार्ट किया था। अलीपीरी के फुट पे से कंपेयर यहाँ पे खाने और अदर स्टॉल्स के बहुत कम ऑप्शंस है, लेकिन अलीपीरी फुटवे बंद होने के कारण शायद आगे हो सकते हैं, लेकिन पानी का प्रोविजन हर 150 मीटर पे किया हुआ है। ये फ्री दर्शन काउंटर है, फ्री टोकन दर्शन काउंटर। अगर आप फुटवे से आते हो तो पहले लॉकडाउन से पहले आपको फ्री टोकन मिलता था, दैट मीन्स एक और दर्शन। We are about to end all the steps. This is the final step. लगेज लेने के लिए थोड़ा लाइन है, सो आई विल वेट देयर। यहाँ पे एकोमोडेशन रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ से भी आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें 50 रुपीज रूम, 100 रुपीज रूम और 1000 रुपीज के रूम अवेलेबल हैं। हमने ऑनलाइन ही बुक किया था, सो हमने 100 रुपीज की 2 रूम्स बुक किए हैं ऑनलाइन, और अभी रिमेनिंग रूम्स यहाँ पे ऑफलाइन बुक कर लेंगे। हमने लगेज से हमारा लगेज ले लिया है लगेज काउंटर से, और वहाँ पे थोड़ा हमें ज़्यादा समय लगा, 1 घंटा लगा है, लाइन बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ से हम CRO सर्कल आए हैं जहाँ पे हमें रूम अलोकेट होगा, सो वहाँ से हमें रूम अलोकेट होने के बाद रूम की तरफ जाएंगे। CRO सर्कल लगेज काउंटर से थोड़ा दूर था, इसलिए हमने टैक्सी बुक किया था, फ्री बसेस से भी जा सकते हैं, सो 20 रुपीज़ पर पर्सन उन्होंने कॉस्ट किया, और अभी हम CRO सर्कल की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने रूम पे चेक इन कर लिया है, बट थोड़ा सा रूम में अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि हमने 100 रुपीज़ का रूम उन्हें डिमांड किया था, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी दे गेव 50 रुपीज़ रूम, एंड 50 रुपीज़ का रूम इज नॉट दैट मच बिगर दैन 100 रुपीज़। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको कौन से कॉटेजेस में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई पता नहीं चलता है। यहाँ पे भी सिस्टम में ऐसे ही है, इवन द पीपल हु आर अलोकेटिंग द रूम दे डोंट नो कि आपको कौन सा रूम और कहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर आप यहाँ पे आके बुक करते हो तो भी वैसे सिस्टम है, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो ये याद रखो कि एक ही कैटेगरी का और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बुक करोगे तो आपको सेम कॉटेज मिल सकता है या फिर सेम गेस्ट हाउस मिल सकता है। ओके, सो देन अब हम थोड़ा फ्रेश होके तिरुपति दर्शन के लिए जाएंगे। हमारा दर्शन का टाइम है 3 बजे का, सो 3 से 4 के बीच में हम दर्शन के लिए जाएंगे। अभी हम तिरुपति के दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। यहाँ से तिरुपति दर्शन का जो एंट्री है, स्पेशल एंट्री दर्शन, ये
एक या डेढ़ किलोमीटर होगा तो हम लेकिन पैदल ही जाने वाले हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट अभी बहुत ही अच्छा है, बारिश थोड़ी देर पहले हुआ था लेकिन अभी पूरा क्लाइमेट क्लियर है, तो आपसे मिलेंगे अभी दर्शन के बाद ही। हमारा दर्शन हो गया है और दर्शन के बाद हम मोबाइल कनेक्ट करने आए थे। सो मोबाइल जब आप डिपॉजिट करते हैं तो मंदिर में जाने के वक्त आप मोबाइल डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद कलेक्शन काउंटर अलग रहेगा। यहाँ पे 10 अलग अलग कलेक्शन काउंटर है, लगेज काउंटर भी है उसमें और आपका सेलफोन काउंटर भी है। तो आपकी जो रिसिप्ट रहेगी उसमें रिसिप्ट में मेंशन किया रहेगा कि आपको कौन से काउंटर से मोबाइल कलेक्ट करना है। तो मैंने अभी मोबाइल कलेक्ट कर लिए, उसके बाद में मैं जाऊंगा अन्न प्रसादम के लिए। लेकिन अन्न प्रसादम से के पहले मैं आपको मंदिर के कुछ व्यूज दिखाऊंगा, मंदिर के पास का एरिया दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शन हमारा 25 मिनट में हो गया है, जितना वक्त आपको चलने के लिए लगेगा उतना ही वक्त आपको दर्शन में जाएगा। आपको वेटिंग के लिए कुछ रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरोना में अभी लॉकडाउन के बाद लिमिटेड दर्शन ही है और लिमिटेड दर्शन में पर आवरली दर्शन वो अलोकेट करते हैं। और हमारा आवर्स में 450 कुछ दर्शन थे जब हम बुक कर रहे थे। दर्शन होने के बाद मैं अभी मंदिर के सामने के प्रांगण में हूँ, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, श्रद्धालु यहाँ पे बैठते हैं प्रेम। और यहाँ पे अभी पुष्करणी जो है वो अभी बंद है। अन्न प्रसादम सुबह 10 से 4 बजे तक लंच का टाइम है और 5 बजे से 9:30 बजे तक उसका डिनर का टाइम है। सुबह ब्रेकफास्ट भी है, 8 से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट भी है, आप अन्न प्रसादम का लाभ उठा सकते हैं। कल हम थोड़ा तिरुमला ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। कल तिरुमला के पास में कुछ मंदिर भी है जो हम अगर टाइम मिलेगा तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे, नहीं तो तिरुमला के आसपास जो मार्केट्स वगैरह है वो देखेंगे, कुछ पूजा की सामग्री भी खरीदी करेंगे। और उसके बाद हमारा कल का जर्नी होगा
हम जाएंगे पद्मावती टेम्पल और उसके बाद में रात में 8:30 बजे हमारा ट्रेन रिटर्न जर्नी स्टार्ट होने वाला है। तो आज के लिए हम थोड़ी देर मंदिर में रुकने के बाद हमारे रेस्ट हाउस में जाने वाले हैं। यहाँ पे रेस्ट हाउस के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्योंकि रेस्ट हाउस अलोकेशन जो है वो TTD के सर्वर से ही होता है। अगर आपको कोई आपको रेस्ट हाउस अच्छा लगेगा तो वो आपको बाद में फिर से मिलेगा या नहीं वो पता नहीं है। तो अगर आपको मंदिर के पास कोई रेस्ट हाउस है तो वो दैट इज़ योर लक, तो वो आपके ऊपर लक के ऊपर रहेगा कि वो आपको मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर मंदिर के पास मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि मंदिर आने जाने के लिए यहाँ पे टैक्सी बहुत चार्ज करते हैं और अगर आपको फ्री बसेस का उपभोग लेना है तो आपको वेट करना होगा और आपको देखना होगा कि फ्री बस कहाँ से कहाँ जाते हैं क्योंकि मोस्टली यहाँ पे फ्री बसेस CRO सर्कल से स्टार्ट होते हैं और किसी एक एंड पॉइंट तक ही जाते हैं। तो आपको CRO सर्कल से कोई भी बस मिल सकते हैं, दैट मीन्स रूम एलोकेशन होने के बाद आप CRO सर्कल पे आ सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्री बसेस मिल सकते हैं। और ये फ्री बसेस जानने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आपको आता है क्योंकि आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आपकी किसी पर्सन से पूछते हैं तो एक लैंग्वेज बैरियर आप में आता है और दूसरे पर्सन में जो आपको शायद अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा, तो ये एक चीज़ है। और उसके बाद में बहुत सारे गेस्ट हाउसेज जो अच्छे हैं, अभी 1000 रुपीज़ के 1500 रुपीज़ के भी गेस्ट हाउसेस अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक तो आप 50 और 100 के लो या फिर 1000 या फिर 1500 के लेना है। सो पता नहीं 1000 और 1500 में डिफरेंस क्या है। सो इन नेक्स्ट विजिट आई विल ट्राई टू कवर द 1000 and 1500 दैट कॉटेजेस। सो डेफिनेटली हमारा आज का दिन यहाँ पे ख़त्म होता है, सो कल के दिन के लिए बने रहेगा हमारे साथ। सो कल मिलेंगे, बाय। तिरुपल्ला का आखिरी दिन है, आज हमारे फैमिली मेंबर्स में से कुछ फैमिली मेंबर्स का आज का दर्शन था लेकिन उन्हें दर्शन के लिए 2.5 घंटे लगे हैं तो आज शायद क्राउड थोड़ा ज़्यादा था। ये टाइम स्लॉट की वजह से होता है, कभी कभी आपको जो टाइम स्लॉट दिया है उसके अलावा आप कोई फ्लेक्सिबल टाइम में भी जा सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं वो। सो अगर आपके आज का दिन का बुकिंग है तो टाइम स्लॉट थोड़ा सा चेंज हुआ तो चलेगा, अगर आपका सुबह 10 बजे का है तो आप 8 बजे जाते हैं तो भी चलेगा। तो हमारे फैमिली मेंबर्स में 10 बजे का था तो वो 8 बजे चले गए, तो 8 बजे थोड़ा उनको क्राउड मिला और दर्शन उनका 11:30 बजे हो गया है। अभी हम थोड़ा अन्न प्रसाद लेके तिरुमला घूमेंगे और उसके बाद पद्मावती के लिए निकल जाएंगे। तिरुमला मंदिर के सामने ये मंडपम है, यहाँ पे श्रद्धालु बैठते हैं। इस मंडपम के आगे एक प्लेटफॉर्म किया है जिसमें भक्ति के कार्यक्रम होते रहते हैं। इसका लाइव टेलीकास्ट TTD के चैनल पे भी होता है। ஏங்க இருக்கா இது கூட இது என்ன கலந்து
अभी हम तिरुमला से निकलने वाले हैं। आज के दिन के लिए हमारा रेस्ट हाउस राम बगीचा था, ये टेंपल के पास ही है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई हमें टेंपल जाने के लिए। लेकिन ये बिल्डिंग थोड़ा सा ओल्ड है, अभी कंस्ट्रक्शन भी चालू है और रिनोवेट कर रहे हैं, सो बिल्डिंग एवरेज है और रूम का साइज थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 50 रुपीज़ बिल्डिंग। तो ये आपको ऑनलाइन ही बुक करना होगा, तो ऑनलाइन बुक करने के बाद सप्तगिरी या फिर राम भवन, तो ये इसमें से कोई अलोकेट हो सकता है। बहुत सारे गेस्ट हाउस है तो उसमें से मंदिर के पास का ये राम भवन अच्छा है, अन्न प्रसादम के पास में ही है। तो अभी हम तिरुपति के लिए निकलेंगे, पहले हम पद्मावती का दर्शन करेंगे और उसके बाद हम रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे। हमने अभी श्री पद्मावती देवी का दर्शन कर लिया है, सेकंड टाइम कर लिया है एक्चुअली। श्री बालाजी के दर्शन के बाद में श्री पद्मावती देवी का दर्शन करना चाहिए ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आप जो विश करते हो बालाजी, श्री बालाजी को, वही आपको यहाँ पे आके कन्वे करना है। और ऐसा बोला जाता है कि वो आपको श्री देवी पद्मावती जी को बोलना है कि हमें बालाजी भगवान से कह दीजिए कि हमारी विश वो पूरी करे, ऐसा यहाँ का कहना है। सो हम अभी यहाँ से रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन के लिए जाएंगे और वहाँ से हमारा ट्रेन पकड़ेंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, हमने हमारा रिटर्न जर्नी कल रात को ही स्टार्ट किया था। हमारा ट्रेन 02164 चेन्नई सेंट्रल से LTT एक्सप्रेस, उसका रात का 9:45 बजे का रेनीगुंटा का टाइम था और वो टाइम पे आ गया था। सो हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया था, अभी हम ठाणे को 2:15 बजे पहुँचेंगे और इस तरह हमारा तिरुमला का जर्नी एंड हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।